हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही जुनून के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एम्स का सुन के सब डरे हुए हैं। सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं कि ये हो कैसे गया, जून में कैसे संभव हो सकता है, जो कि साल में एक बार होता है, वो जून में कैसे हो गया। तो भाई आप सब जानते हो, ऑफिशियल नोटिस तो आ ही गया है और ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल 100% राइट है कि बिल्कुल होगा 3 जून को एग्ज़ाम। तो देखो, डरने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि जो हो चुका है वो तो हो चुका है। जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हमने जो है अब ईयरली दो बार जो है इसको डिवाइड किया गया है, एक तो जून में और एक जैन में, सितंबर में नहीं, क्योंकि सोचो सितंबर में होगा, सितंबर में नहीं होता है, अब होगा जैन के अंदर, जनवरी के अंदर होगा, या फिर हमारा 3 जून को। कुछ बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट हैं कि मैम अभी तो जम्मू वाली वैकेंसी फिल नहीं हुई है, अभी तो बहुत सारी वैकेंसी फिल नहीं हुई है, तो कैसे ले सकता है ये वो फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या। तो भाई देखो, जो वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई है उसको एक साइड रखो, हमारे सामने जो ऑफिशियल नोटिस है वो यही है कि भाई 3 जून को एग्ज़ाम होगा, और यदि एम्स ने ऑफिशियल नोटिस निकाला है तो डेफिनेटली डैम श्योर वो एग्ज़ाम लेगा, है ना। तो इधर उधर की बातें ना सुनते हुए एक साइड के होके हो बैठ जाओ, मतलब हमें जो है वो स्टडी करनी ही है। 3 जून को जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम कैसे जो है अपने आप को मेंटली रेडी रखें, है ना, और फिजिकली कैसे रेडी रखें, किस तरीके से पढ़ना होगा हमें। 2 महीने में टाइम बहुत कम है, जिससे हमारा एग्ज़ाम जो भी है वो क्रैक हो जाए, है ना, विदाउट स्ट्रेस। तो इस बात के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, इस वीडियो में हम आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कैसी हैं, है ना, कौन सी वैकेंसी इंक्लूड हो सकती हैं, एंड हमारा जो पिछली बार जो एग्ज़ाम लगे हैं, अभी 2-3 एग्ज़ाम जो भी पहले गए हैं PGIEC PGI का, उसमें क्या कट ऑफ रह सकती है, यहाँ पे हम ये सब डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो जो हमारा नोट सेट है, आप सबको पता है साल में तो एक बार होता था, है ना, यहाँ पे सितंबर में एग्ज़ाम लगता था हमेशा, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि ये रूमर्स तो पहले से ही फैल रहे थे, मतलब ये 15 से 20 दिन पहले ही जो है काफ़ी अफवाह फैल रही थी कि जून में होगा, लेकिन सबको लगा ऐसी फेक न्यूज़ है। लेकिन फिर सीधा ही आपने देखा 2 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस आ चुका है एम्स की साइट पर, लेकिन जो पोर्टल है उस पर अभी भी सितंबर ही दिखा रहे हैं। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, कन्फ्यूज़ में अभी भी हैं कि भाई पोर्टल पर तो अभी भी सितंबर ही दिखा रहा है, तो भाई अब लोग आप अपने वहम से बाहर आ जाओ, क्योंकि वैसा नहीं है, पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, पोर्टल पर वही अभी हमारा सितंबर की डेट ही दिखा रहे हैं, है ना। तो एग्ज़ाम जो होगा वो जून में होगा, ये आप बात समझ लो, जितना जल्दी आप समझोगे उतना ही आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात ये है कि हमें कैसे पढ़ना है, थ्योरी हम कैसे पढ़े, क्वेश्चन सेशन कैसे अटेंड करें, या फिर क्वेश्चन कितने करें पर डे, थ्योरी कितनी करें, किस चीज़ कैसे अपना जो है टाइम टेबल सेट किया जाए कि 2 मंथ में 60 डेज़ के अंदर हमारा जो है सिलेबस वो हो जाए, क्योंकि आज है 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल है ना, और 3 जून को ही हमारा एग्ज़ाम है, मतलब ये लगाओ 60 डे आज से लेके 3 जून तक 60 डेज़ हैं हमारे पास अभी, ठीक है, टाइम बहुत कम है। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है अपनी पहले SGPGI PGI के लिए, उसके लिए टाइम तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल ही फ्रेशर है, जिसको कुछ नहीं पता, उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये टास्क। पर डरने की बात नहीं है, डर के कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, ठीक है, तो डरना नहीं है, बस हमें अपना टाइम टेबल बनाना है। हम सबको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना होगा, किसी का टाइम टेबल को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमारा जो है हमारी स्ट्रेंथ है ना, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कितना पढ़ सकते हैं पर डे। तो जितना हो सके हमें उतना ही टाइम अपनी पढ़ाई के अंदर देना होगा, है ना, 2 महीने जो हमारे पास हैं अभी। चलिए ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, अभी जो मेन मुद्दे की बात है भाई उसी पर आ जाते हैं कि जो हमारी वैकेंसीज एंड नोट सेट की उसमें कौन कौन सी वैकेंसी इंक्लूडेड होंगी। ये बहुत ज़्यादा जो है माइंड में बार बार बात अटैक कर रही है सब स्टूडेंट्स को कि कौन कौन सी वैकेंसी इसमें हो सके। कुछ लोग बोल रहे हैं SICBs में ही है, DSSBBs के अंदर ही है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ESIC DSSB नोट सेट में नहीं है, ये सेपरेट वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं विद इन 2 मंथ्स, मतलब अभी चल रहा है आपका अप्रैल मई और जून के बीच में भी ये वैकेंसीज का, ठीक है, एक अटैक आपको मिल सकता है, जैसे अभी किसका मिला, नॉर्थ सेट का मिला, तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे ये वैकेंसीज का पता लगा ना आपको, अभी 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो जस्ट ऐसे ही आपको दोनों वैकेंसीज का भी, ठीक है, एक इसी टाइप का अटैक सुनने को या मिल सकता है,
ठीक है, तो अपनी पीठ को मजबूत रखो, वैकेंसीज और आने वाली हैं, है ना, वैकेंसी और आने वाली हैं। तो ठीक है, ये जो आपका ईयर रहेगा, ये पूरा का पूरा ईयर नर्सिंग रिक्वायरमेंट ईयर है। कहने का मतलब ये है कि इस ईयर के अंदर इतनी वैकेंसी आएंगी ना, जिसमें आपने सोचा भी नहीं होगा। तो 2024 तक तो जैन तक आपका DBBB का एग्ज़ाम हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा। ठीक है, ये कोई मैं रूमर्स नहीं फैला रही हूँ, फाइनली बोल रही हूँ, हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। वैकेंसीज आ जाएंगी हमारे 2 से 3 महीने के अंदर, आपका एग्ज़ाम भी लग जाएगा। तो हमें जो अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि हमारा नॉट सेट, हमारा DBBB, हमारा ESIC, हमारी चंडीगढ़, हमारा जो आपका जिपमर है, सारी वैकेंसीज हमारे हाथ हों। ऐसा नहीं है कि एक ही वैकेंसी, हमारे सारी वैकेंसी हमारे हाथों होनी चाहिए, है ना। वो हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम कौन कौन सी वैकेंसीज को चूज़ करें। ऐसे तैयारी हमें अपनी करनी होगी। ठीक है, अब फिर से बात पे आते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। देखो, जो हमारी वैकेंसीज हैं, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जैसे आप लोग जानते हो, 4 हॉस्पिटल्स आते हैं, 4 से 5 5 हॉस्पिटल, जैसे आपका RML है, सफदरजंग है ना, कलावती हॉस्पिटल है। तो हमारे जो ये हॉस्पिटल्स हैं, ये हॉस्पिटल आएंगे, गंगाराम है आपका, तो ये सारे हॉस्पिटल आएंगे हमारे नॉर्थ सेट के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन हमेशा आपने देखा बच्चों, बहुत वैकेंसीज आती थी, लेकिन अब की बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि साल में 2 बार लिया गया जा रहा है इसलिए। तो क्योंकि आपने सुना होगा पहले की भी, जो हमारी वैकेंसी पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं, उनकी भी कंप्लीट, उनका भी जो है प्रोसेस नहीं हो पाया, तो वो भी धीरे धीरे चल ही रहा है। जैसे जम्मू वाली वैकेंसी तो फुल अभी फिल ही नहीं हुई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी भी आएंगी हम तैयार हैं, है ना, वैकेंसीज के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, फाड़ने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो जो भी वैकेंसी आ रही हैं, 4 ही 4 हॉस्पिटल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वैकेंसी कम हो सकती हैं बट होंगी ज़रूर इनक्लूड इसके अंदर। दूसरी हमारा जो है जिपमर, पांडुचेरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिपमर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और थर्ड कौन सा इंक्लूड है? थर्ड है बच्चों PGI चंडीगढ़। क्यों? क्योंकि अब की बार संगरूर की वैकेंसी थी, जो कि आपको पता है कितनी वैकेंसीज थी, है ना, तो 296 समथिंग वैकेंसीज हैं PGI संगरूर की, वो तो फुलफ़िल हो ही जाएंगी। जो हमने अभी पहले टेस्ट दिया है, प्रीवियस टेस्ट जो हमारा हुआ है अभी, जो भी 30 आपका मार्च को था, लेकिन अब जो PGI चंडीगढ़ की, वो कुछ पहले ही उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था कि 1200 से 1500 वैकेंसी PGI निकालेगा, तो वो वाली वैकेंसी भी इसमें इंक्लूड होकर आएंगे। तो लगभग ये लगाओ आप 1000 भी लगा के चलते थे PGI की हम लोग, तो जिपमर की हो गई हमारी 300 से 500 के बीच में, कम से कम लगा के 300 वैकेंसी वहाँ भी होंगी। कुछ सारे टोटल एम्स की मिलाते हैं, तो आप ये लगाओ 800 से 1000 वैकेंसीज इनकी लगा के चलो, मैं बहुत ही कम से कम बता रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये लगाओ कि आपकी 2000 से 2200 वैकेंसी तो आएगी एम्स नॉर्थ सेट के थ्रू। ठीक है, 1800 से लेके हमारी 2000 के बीच में वैकेंसी आ सकती है, बिल्कुल कम से कम बोल रही हूँ, है ना, इतनी होंगी। जैसे हमारे साल में 4000 वैकेंसी होती थी, 4000 समथिंग होती थी, या फिर कभी कभी 3800 भी होती थी, 3800 वैकेंसीज भी थी, लेकिन अब की बार 1800 से 2000 वैकेंसी तक ही देखने को मिल सकती हैं अकॉर्डिंग टू नॉट सेट। तो ये वैकेंसी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पिछले एग्ज़ाम की, जो कि मेरी वीडियो नहीं बन पा रही थी, कुछ इश्यूज़ थे उस वजह से, लेकिन अब हमारी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी बच्चों, तो आपको इस चीज़ की शिकायत नहीं मिलेगी कि मैम वीडियो नहीं बनाते हैं, मैम आप हमें अपडेट नहीं देते हो। हो जाता है कभी कभी लाइफ में, सबके साथ इश्यूज चलते रहते हैं, तो आप लोग जानते हो। तो ठीक है, हमारी वीडियो डेली आपको मिलेगी, अब हम डेली बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो SGPGI जो और PGI वैकेंसी, दोनों ही वैकेंसीज का नोटिस हमें पता लगा है कि विदिन 3 वीक के अंदर, 4 वीक के अंदर जो है हमारा रिज़ल्ट आ सकता है ना। लेकिन रिज़ल्ट तो आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डाउट चल रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा कट ऑफ को लेके। तो बच्चों जो कट ऑफ रहेगी ना, वो जो रहेगी, सबसे पहले हमारा SGPGI एग्ज़ाम लगा था, जो कि अच्छा खासा एग्ज़ाम था, कोई टफ भी नहीं था, ना ही ज़्यादा ईजी था। कहते हैं बहुत इजी था, बहुत टफ था, या कोई शिफ्ट बहुत इजी थी, मोडरेट थी, बहुत टफ थी, तो बात कर लेते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में पता लग रहा है, जितना सर्वे हुआ है अभी, बहुत इजी थी। ठीक है, अब जो हमारी आफ्टरनून वाली शिफ्ट आती है, उसको बोला गया है मॉडरेट था, उसमें ना ही इजी था ना ही टफ पैटर्न था, मॉडरेट पैटर्न था। और जो लास्ट की जो शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट, उसको बोला गया बहुत ही टफ था। वो बहुत टफ तो क्या था, लेकिन टफ बोला जा रहा है, टफ बोला जा रहा है उसको। और मॉर्निंग शिफ्ट वालों के बच्चों के जो मार्क्स हैं, वो 80+ भी जा रहे हैं, 85+ मार्क्स भी जा रहे हैं। और यदि आफ्टरनून शिफ्ट की बात करें, तो बच्चों के 82-80 मार्क्स वहाँ भी आ रहे हैं।
और लास्ट वाली शिफ्ट की बात करें तो 76, 75, 76, 77 तक आ रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वो टफ है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के मार्क्स ज़्यादा गेन नहीं हुए हैं, 77 तक रहे हैं, 78 तक रहे हैं। और यदि आपकी आफ्टरनून की शिफ्ट है उसमें तो 80, 82, 85 तक जा रहे हैं, और जो आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है सबसे पहले वाली शिफ्ट उसमें 90 भी बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो इसीलिए एक अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जो है ये टफ है, ये ईजी है, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, यदि हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा, तो हमारी कट ऑफ जो है बच्चों कहना कहा जा रहा है 6 अप्रैल तक आ जाएगी फाइनली जो कट ऑफ होगी। बट फिर भी और तो अभी हम लोग नहीं एक्यूरेट तो नहीं बता सकते कि फाइनली कट ऑफ में किस कट ऑफ पे सिलेक्शन हो सकता है, किस कट ऑफ पे नहीं हो सकता है। बट जितना सर्वे किया गया है, जितने स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, कितने मार्क्स है, इतने मार्क्स है, उनसे तो यही पता लग रहा है हमें कि 75+ ही, जो 75+ वाला बच्चा है वो ही सोचे कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो कि जनरल में कंसीडर किए जा रहे हैं स्टूडेंट, तो 75+ ही हमारा जो है सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और अभी ये कोई ऑफिशियल मेरे पास न्यूज़ नहीं है, तो ये जो डाटा हम सबके पास मिला, जो सर्वे जिस अकॉर्डिंग हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी आपको बता रही हूँ कि 75+ तो जाने ही जाने हैं। और बच्चों यदि हम PGI की बात करें, संगरूर वाली वैकेंसी की, तो उसमें तो वैकेंसी काफ़ी कम है, और हमारी जो जनरल की सीटें हैं वो भी हमारी 90 अप्रोक्स हैं, है ना, 90 अप्रोक्स सीटें होंगी। तो उसमें भी वो भी एग्ज़ाम हमारा ना ही इजी था और ना ही हमारा टफ लेवल का था, मतलब वो भी मॉडरेट का था, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। आप लोगों को दोनों एग्ज़ाम देने के बाद पता लगा होगा कि क्वेश्चन जो हैं वो आज के टाइम पे थोड़े से लेवल उनका अप हो रहा है ना, लेवल अप हो रहा है, और हमें किस तरीके से स्टडी करनी है, हमें चीज़ों को पकड़ना है, चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, जो एक लाइन को हमें कम से कम भी 5 से 7 बार रीड करना है, उस लाइन से ही जो है हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हम कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं बीच बीच में, लेकिन वो चीज़ें हमें स्किप नहीं करनी होती हैं। तो अब बात कर रहे थे PGI की वैकेंसीज़ की, तो PGI की वैकेंसी जो है, देखो जो जनरल की मैं बात करूँ आपसे, जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है ना बच्चों, वो 72+ रहेगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएगी, 72+ हमारी रहेगी जनरल की। और यदि हम OBC की बात करें तो 68 से 71 के बीच में रह सकती है। SC की डिग्री की बात करें तो 63 से 68, मतलब 62, 63 वाला का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं PGI की वैकेंसीज में। तो आगे जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, सबको पता है कि HSC भी आ रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आ रहा है, DMER की वैकेंसीज हैं, उनकी वो भी वैकेंसी जो है आने वाली है बहुत जल्द। तो जो पिछला जो रिजल्ट है अभी वो पेंडिंग चल रहा है, इसी वजह से हमारी वैकेंसी फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। तो वो वैकेंसी भी 1200 से 1500 वैकेंसी आएंगी, जितनी मेडिकल कॉलेज है उन सबको इंक्लूड किया गया है वहाँ भी। और आपकी SIC आएगी 200 से 2300 वैकेंसीज के आसपास, SIC आएगी, DSSB भी आएगी, आपकी 1800 वैकेंसी DSSB भी आएगी। तो ये सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो बिल्कुल भी अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना है कि हमें जो है 2 महीने में ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे चलो, इस तरीके से चलो ताकि जो वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर भी आप जो है अच्छे से क्वालिफाई हो जाओ। और कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ को लेके, स्टडी को लेके हो, कुछ चीज़ ना समझ आ रही तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, नीचे लास्ट में कमेंट कर सकते हो आप, है ना। मैं आपको अपनी ID, अपना टेलीग्राम और अपना नंबर अपना शेयर कर दूँगी। आपको कोई भी इश्यू हो, किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी डाउट हो, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि भाई वीडियो बनाई जाए, लेकिन कुछ इश्यूज़ थे तो वीडियो नहीं बनाई जा रही थी, तो आज टाइम था थोड़ा, तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए। क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैम आप लाइव नहीं आते हो, आप वीडियोस नहीं बनाते हो, यूट्यूब पे नहीं आते हो, तो ठीक है, वो हमारा हम जो है कंटिन्यू जो है यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेंगे। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी आज, तो मेरे पास इतने मैसेजेस आ गए थे सुबह बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो डाल ही दी जाए, यदि आप सब इतना प्यार दे रहे हो तो हम मुझे, तो वीडियो तो फिर क्या ही चीज़ है ना। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़िए। कुछ भी डाउट हो तो आप विदाउट हेजिटेशन अपनी मैम से पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, भूल जाते हो आप सब लोग।